गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, मैराइन इंश्योरेंस चैप्टर नंबर 4 का, दैट इज प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। जो प्रोसीजर है फॉर सेटलिंग द मैराइन इंश्योरेंस क्लेम्स, हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसाइनमेंट्स के लिए और दूसरा है आपका फॉर इनलैंड ट्रांजिट क्लेम्स। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स के लिए। जहां पर आपका लॉस अकर हुआ है अंडर मैराइन कम इंश्योरेंस, तो जो फॉलोइंग प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा। सबसे पहला है इंटीमेशन टू इंश्योरेंस कंपनी। ये ड्यूटी है पॉलिसी होल्डर की कि वो इंटीमेट करेगा इंश्योरेंस कंपनी को एज सून एज द लॉस अकर्ड। और नेसेसरी स्टेप जो है ये है कि इंटीमेट आपको करना है, बिकॉज तभी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एक सर्वेयर को अपॉइंट करेगी लॉस को असेस करने के लिए। देन नेक्स्ट आता है आपका पॉलिसी। जो एश्योर्ड है उसको सबमिट करना है ओरिजिनल पॉलिसी या सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी को अपना टाइटल एस्टैब्लिश करने के लिए। तो ये भी सर्व करता है, ये जो आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओगे ये सर्व करता है एज अ एविडेंस कि जो लॉस है और जो डैमेज्ड हुआ है सब्जेक्ट मैटर को वो एक्चुअली इंश्योर्ड था। देन है बिल ऑफ लेडिंग। एक जो बिल ऑफ लेडिंग है वो डॉक्यूमेंट है जो इशू करता है कैरियर अबाउट द डिटेल्स ऑफ शिपमेंट ऑफ मर्चेंडाइज और टाइटल उस शिपमेंट का टू अ स्पेसिफाइड पार्टी। तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो वर्क करता है एज अ एविडेंस कि जो गुड्स हैं वो एक्चुअली शिप्ड की गई और जो शिपमेंट है वो एक्चुअली बिलोंग्स करती है क्लेमेंट को। देन है इनवॉइस। एक इनवॉइस जो है वो एविडेंस है सेल का, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू टाइप एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स, प्राइस एसेट्रा, और ये हेल्प करता है इंश्योरर को इन डिटरमाइनिंग कि जो इंश्योर्ड वैल्यू है कार्गो की वो रिजनेबल है या नहीं है और वेदर की जो कार्गो है वो ओवर इंश्योर्ड है या नहीं है। देन है सर्वे रिपोर्ट। जो सर्वेयर अपॉइंट किया है इंश्योरर ने वो असेस करेगा लॉस और सबमिट करेगा अपनी रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी को। जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें अप्रॉक्सीमेट कॉज होगा लॉस का और अमाउंट ऑफ लॉस इंकर्ड मेंशन होगी, और उसमें जो भी नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ लॉस और डैमेज्ड है, पर्टिकुलर्स एंड डैमेज्ड वैल्यू के एसेट्रा जैसी जो चीजें हैं वो भी मेंशन होगी। जो रिपोर्ट है वो सबमिट करनी है आपने विदाउट प्रेजरडाइज ऑफ लायबिलिटी अंडर दी पॉलिसी। नेक्स्ट इज योर डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या है? डेबिट नोट एक क्लेम इनवॉइस है जो सबमिटेड किया जाता है एश्योर्ड के थ्रू टू द इंश्योरेंस कंपनी उतनी अमाउंट ऑफ क्लेम के लिए जो वो कर रहा है फॉर लॉस और डैमेज। देन नेक्स्ट है कॉपी ऑफ प्रोटेस्ट। कई बार जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपसे डिमांड करती है कॉपी ऑफ प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट क्या होता है? प्रोटेस्ट एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो आप प्रेजेंट करते हो बिफोर द नोटरी पब्लिक कि जो ऑनर है या जो मास्टर ऑफ वेसल है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है डैमेज के लिए और डैमेज हैपन हुआ है ड्यू टू सी पोल्स। तो जो प्रोटेस्ट है वो मास्टर ऑफ वेसल करेगा ऑन द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन वहां पर पहुंचने के बाद। देन आता है लेटर ऑफ सब्रोग। जो लेटर ऑफ सब्रोगेशन है वो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू जो इंश्योरर है वो सारी राइट्स जो थी एश्योर की वो एज्यूम कर लेता है अगेंस्ट थर्ड पार्टी, और आफ्टर द पेमेंट ऑफ क्लेम जो इंश्योरर है वो रिकवर कर सकता है अमाउंट थर्ड पार्टी से। सम अदर डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो इस केस में रिक्वायर्ड होते हैं इन केस ऑफ पर्टिकुलर एवरेज क्लेम्स, जैसे कि शिप की सर्वे रिपोर्ट, लॉस्ट ओवरबोर्ड सर्टिफिकेट अगर कार्गो लॉस्ट हुआ है ड्यूरिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑपरेशंस। देन नेक्स्ट है आपका बिल ऑफ एंट्री। जो कस्टम अथॉरिटीज हैं वो इशू करती हैं एक सर्टिफिकेट जिसे बिल ऑफ एंट्री कहा जाता है, और ये जो बिल एंट्री होती है इसमें आपकी अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेड, डेट ऑफ अराइवल ऑफ स्टीमर एसेट्रा मेंशन होती है। इन एडिशन जो इंश्योरर है वो डिमांड कर सकता है अकाउंट सेल्स जो शो करेगी प्रोसीड सेल की ऑफ द गुड्स अगर जो गुड्स हैं आपने डिस्पोज ऑफ की हैं। जो इंश्योरर है वो डिमांड कर सकता है रिपेयर या रिप्लेसमेंट के बिल इन केस ऑफ डैमेजेस और ब्रेकरेज एंड कॉपी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस जो एक्सचेंज हुआ है बिटवीन द कैरियर एंड क्लेमेंट फॉर कंपनसेशन इन केस ऑफ लायबिलिटी रेस्टिंग ऑन द कैरियर्स।
देन नेक्स्ट है हमारा फॉर इनलैंड ट्रांजिट क्लेम, क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले फॉर इनलैंड ट्रांजिट क्लेम्स क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं इंश्योरर को अलॉन्ग विद इंटीमेशन, ड्यूली इंडोर्स सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस या ओरिजिनल पॉलिसी, ओरिजिनल इनवॉइस या कॉपी ऑफ इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ लॉस और डैमेज इशूड बाय कैरियर, ओरिजिनल रेलवे रिसिप्ट और नॉन डिलीवरी सर्टिफिकेट और कंसाइनमेंट नोट, अगर जो गुड्स एंड टोटली लॉस्ट हुई है या नॉन डिलीवरेबल है, देन कॉपी ऑफ क्लेम जो लॉन्च की है आपने विद रेलवे और कैरियर, ड्यूली स्टैम्प्ड लेटर ऑफ सबरोगेशन, अगर जो कंसाइनी है वो क्लेमेंट है तो एक लेटर ऑफ अथॉरिटी साइंड बाय कंसाइनर इन फेवर ऑफ कंसाइनी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फ्रॉम द क्लेमेंट इन केस ऑफ नॉन डिलीवरी ऑफ कंसाइनमेंट एंड देन क्लेम बिल। जो स्टेप है नॉर्मली वही सेम ही रहते हैं जो हमने पीछे पढ़े हैं। पहला क्या, इंटीमेट करना इंश्योरर को, देन सर्वे होगा सब्जेक्ट मैटर का और सर्वे रिपोर्ट सबमिट होगी, उसके बाद सबमिशन होगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का इंश्योरर को, देन डेबिट नोट इशू होगा, देन सबमिट करोगे आप लेटर ऑफ सबरोगेशन और उसके बाद आपका क्लेम सेटलमेंट और पेमेंट होगा। तो ये था हमारा चैप्टर मैराइन इंश्योरेंस का। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 एक्सीडेंट एंड मोटर इंश्योरेंस, इसे हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 5 को हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।